Hi guys, this is Yashoda Verma. Welcome to my channel Babies Junction. आज का जो वीडियो है वो एक प्रोडक्ट के बारे में. एक्चुअली मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा. ये किसी भी टाइप का मतलब प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन है क्योंकि ये प्रोडक्ट मैंने खरीदा है तो मुझे अच्छा लगा और मैं बस इस चाहती थी कि शायद ये प्रोडक्ट काम का है तो बस इसको अपने चैनल पर शेयर कर रही हूँ. सो ये किसी भी टाइप का प्रमोशनल वीडियो नहीं है, तो किसी कोई भी ये ना सोचे कि मैं किसी प्रोडक्ट का पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रही हूँ. एक्चुअली ये जो वीडियो है वो है एक थर्मामीटर का. थर्मामीटर लाइक अभी मेरी डॉटर की तबीयत काफ़ी ख़राब हुई थी, जो मतलब उसको एक वायरल इन्फेक्शन हो गया था जो कि कॉमन इन्फेक्शन है जो कि इस टाइम पे सभी बच्चों को हो ही रहा है. तो उसको भी हुआ था फीवर का और मैं इस बात से इतनी ज़्यादा परेशान थी क्योंकि बार बार उसका फीवर मेज़र करना पड़ रहा था और मैं उसका फीवर मेज़र करने में उसको बार बार परेशान कर रही थी कि जो हमारा डिजिटल थर्मामीटर है वो उसको लगा रही थी और वो उसको लगवाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती थी. तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा ट्रॉमा था. मैं खुद इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान थी कि बार बार मैं अपने बच्चे को क्यों परेशान कर रही हूँ, पूरा एक मिनट कैलकुलेट करके उसका पूरा टाइम, उसका थर्मामीटर पूरा एक मिनट के लिए लगा के उसका टेम्परेचर लेना. मतलब ये बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा यू नो ट्रॉमेटिक बात है. सो देन आई डिसाइडेड टू गेट अ इन्फ्रारेड थर्मामीटर. मैं इसके बारे में जानती थी, मैंने इसके बारे में सुना भी था, लेकिन फिर मुझे लगा कि क्या ज़रूरत है जब हमारा डिजिटल थर्मामीटर या फिर नॉर्मल मर्क्यूरी थर्मामीटर से ये काम होता है. लेकिन फिर मुझे पता चला जब अनिका को बुखार हुआ कि नहीं ये ज़रूरी है क्योंकि मैं बार बार उसको नहीं रुला सकती, तो मैं फाइनली एक इन्फ्रारेड थर्मामीटर पे गई. मैंने काफ़ी सारे ब्रांड्स के बारे में रिव्यूज़ पढ़े, देखा, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं थर्मामीटर ऑफलाइन ही लूँगी. ऑफलाइन मतलब उसको चेक करने के बाद पूरी तरह से मैं एक डॉक्टर के पास गई थी, उनके पास ऑलरेडी यही थर्मामीटर था तो मैंने इसी को प्रेफर किया और काफ़ी बेटर मुझे लगा. तो मैंने इसे एक प्रॉपर एक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट शॉप से फार्मास्यूटिकल शॉप से मैंने इसको परचेज किया. देन इट्स अ वेरी वेरी ट्रस्टेड ब्रांड आई थिंक. सो इट्स अपोलो थर्मामीटर. I have already purchased it, the authorized dealer of Apollo Pharmacy. It's a Apollo thermometer, okay? ये एक infrared thermometer है जो दो modes पर काम करता है, एक body object mode पर, एक body mode पर. दोनों ही mode पर काफ़ी अच्छा ये काम करता है. प्लस इसमें बॉडी टेम्परेचर आप ले सकते हो, इसमें बैकलिट डिस्प्ले होता है, इसमें फीवर अलार्म भी है, इसमें मिल्क टेम्परेचर आप ले सकते हो एज एन ऑब्जेक्ट, या बच्चे के पानी का या बच्चे के दूध का मिल्क टेम्परेचर आपको लेना है तो आप ले सकते हो. प्लस इसमें क्विक मेजरमेंट होता है, जस्ट 1 or 2 seconds के अंदर इसका प्रॉपर मेजरमेंट आ जाता है. मेमोरी रिकॉल भी है, डेट मीन्स आप इसमें लास्ट 10 readings, 20 readings आप इसमें देख सकते हो. आई थिंक इसमें 10 readings देख सकते हो. हाँ, तो ये ड्यूल मोड पर है, दोनों मोड्स पे चलता है. ड्यूल मोड पे फारेनहाइट एंड सेल्सियस, एंड बहुत ही इजी टू यूज़ है और ऑटो स्विच एंड ऑफ की फैसिलिटी भी इसमें है. और इसकी जो MRP है मैं आपको बता देती हूँ. एक्चुअली ये बॉक्स में से मैंने थर्मामीटर निकाल दिया, ये सिंपल एक खाली बॉक्स है. हाँ, तो इसकी जो MRP थी वो थी 1899, बट हमें थोड़ा सा डिस्काउंट पे ये अप्रॉक्स 1300 को कुछ पड़ा है. तो ये प्रॉपर एक बहुत ही अच्छा पीस मुझे लगा तो मैंने ये अनिका के लिए लिया. अब मैं दिखाती हूँ कि ये आखिर में दिखता कैसा है. ठीक है, सो दिस इज़ दैट प्रोडक्ट. दिस इज़ अ वेरी नाइस प्रोडक्ट एक्चुअली. अब काफ़ी हैंडी है, आप इसको ट्रैवलिंग में भी ईजिली ले जा सकते हो और 1 या 2 सेकेंड के अंदर ये आपको बॉडी टेम्परेचर देगा लाइक दिस. सो माई बॉडी टेम्परेचर इज 99.7. You can see this, yeah. मतलब इसने बहुत ही जल्दी से ये दे दिया और ये येलो है, डेट मीन्स मुझे हल्का हल्का बुखार हो रहा है क्योंकि मैं ऑफिस से आके ऑलरेडी बहुत थकी हुई हूँ. तो ये बिल्कुल येलो एंड रेड. रेड इज़ द फॉर फीवर अलार्म एंड येलो इज़ फॉर अबाउट टू गोइंग टू फीवर स्टेज, यू नो. सो ये मुझे काफ़ी सही लगा. प्लस ये अपने आप ही ऑफ हो गया, ऑटो स्विच ऑफ है. तो ये मुझे काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट लगा. आप चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो. अनिका के साथ हमें बहुत मज़ा आता है इसको ट्राई करने में. वो इसको एक गेम की तरह समझती है, डैड कितना हो गया कितना हो गया, लाइक दैट. उसके डैडी का एक स्लोगन बना हुआ है जो उसको अपने गेम की तरह समझती है. सो आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस प्रोडक्ट. अनिका आ गई है. सो ओ तातक किया, किसने किया? डैडी ने किया. डैडी आपने ताता किया इसको? तो ग्रेट प्रोडक्ट. सो यू कैन ट्राई इट विद योर चाइल्ड. ओके, सो आप कम से कम उसके रोने से और हर मिनट उसके टेम्परेचर को लेने से आप पीछे नहीं उठोगे क्योंकि आपके पास है इस टाइप का इंफ्रारेड थर्मामीटर. या अपोलो ब्रांड का है, मैं फिर से बताती हूँ, अपोलो ब्रांड का है. 1800 कुछ इसकी MRP है, लेकिन हमको 1300 कुछ में ये मिला था. मे बी ये MRP डिफर कर सकती है, आप ऑनलाइन लो या फिर ऑफलाइन लो, डिपेंड करता है कहाँ से ले रहे हो, किस शॉप से ले रहे हो. अपोलो के ऑथराइज डीलर से, मतलब ऑथराइज फार्मास्यूटिकल शॉप से लोगे तो आपको प्रॉपर इसमें डिस्काउंट मिलेगा, जो कि हमको मिला है 15% अप्रॉक्स कुछ. तो ये अच्छा प्रोडक्ट है, तो मैं चाहती थी कि आपके साथ ये शेयर करूँ. सो इट इज़ नॉट एनी ब्रांड प्रमोशन प्रोडक्ट, इट इज़ ओनली अ नॉलेजेबल
you know, knowledge sharing from one mom to another mom and all the family members who are watching these videos. Okay, so आज का वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ. होप ये प्रोडक्ट आपको भी पसंद आया होगा जैसे मुझे पसंद आया है. सो इस प्रोडक्ट के लिए एटलीस्ट इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा. एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर बेबीज जंक्शन. बाय बाय, हैव अ नाइस डे.